मुख्य शब्द कीवर्ड्स परावर्तन अपवर्तन अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण अपवर्तित किरण निर्गत किरण आपतन कोण परावर्तन कोण अपवर्तन कोण विचलन कोण निर्गत कोण वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अपवर्तन अपवर्तनांक प्रिज्म उत्क्रमणीयता सिद्धांत क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन वास्तविक गहराई आभासी गहराई। हमने सीखा जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तब वस्तु के पीछे पर्दे पर वस्तु की छाया बनती है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। समतल दर्पण द्वारा सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगी। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का पूरा समान आकार का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या 360 बटे थीटा ऋण 1 होगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह संपर्क सतह से अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर जाता है। जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है। किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात में चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 2n1 बराबर 1/1n2। प्रकाश किरण जिस मार्ग का अनुसरण करती है वही मार्ग विपरीत दिशा में भी सत्य है। अपवर्तन का द्वितीय नियम 1μ2 बराबर sin I/sin R स्नेल के नियम से जाना जाता है। प्रिज्म में आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है।